हिंदू धर्म में छठ पूजा का खास महत्व है। इस दिन संतान की लंबी उम्र, उत्तम स्वास्थ्य और उज्जवल भविष्य के लिए व्रत रखते हैं। ये व्रत सबसे कठिन व्रतों में से एक है, क्योंकि 36 घंटे पूरे नियमों का पालन करते हुए निर्जला ये व्रत रखते हैं। 4 दिनों तक चलने वाले इस पर्व की शुरुआत इस साल 17 नवंबर 2023 से नहाय खाय के साथ हो रही है। ऐसे में आइए जानते हैं कि नहाय खाय क्या होता है। छठ पूजा की शुरुआत नहाय खाय से होती है और इसका मतलब ये है कि इस दिन घर की साफ सफाई अच्छे से करें। इसके बाद घर में बाहर का खाना नहीं आ सकता, लहसुन प्याज से नहीं बन सकता और हरी सब्जी ही खाई जाती है। जो लोग छठ का व्रत रखते हैं वो सुबह बाल धुलकर नहाते हैं और बाहर की कोई चीज नहीं खाते। नाश्ते में फल खाते हैं और दिन में लौकी चने की सब्जी खाते हैं। इसके अलावा यही सब्जी रात के वक्त भी खाई जाती है। लेकिन आपको बता दें कि नहाय खाय के दिन सिर्फ एक बार ही छठ पूजा व्रती खाना खाते हैं। व्रत रखने वालों को इस दिन से लहसुन प्याज से दूरी बना लेनी चाहिए और उसे बनाने से भी बचना चाहिए। घर का वातावरण पूरी तरह से शुद्ध करना जरूरी है और ये व्रत रखने वालों को जमीन पर ही सोना चाहिए। वहीं नहाय खाय का मतलब होता है नहाना और खाना, यानी कि इस व्रत में सबसे पहले साफ सुथरा करके अपने घर को ही नहाना चाहिए और नहा धोकर ही व्रती को खाना बनाना चाहिए, खासकर नारंगी सिंदूर लगाने के बाद ही। वही खाना मतलब इस व्रत का एक बार का भोजन करना ही नहाय खाय का मतलब होता है, यानी कि नहा धोकर खाने खाने को ही नहाय खाय कहते हैं। और इसी के साथ छठ पूजा की शुरुआत होती है। ये तो हम सभी जानते हैं कि हिंदू धर्म में किसी भी व्रत की शुरुआत स्नान आदि से निवृत्त होकर ही करा जाता है। ठीक उसी तरह छठ पूजा में भी पवित्र गंगा जल या नदी में स्नान आदि करके ही इस व्रत की शुरुआत की जाती है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।